दोस्तों सभी को स्वागत है फिर से मेरे चैनल रॉयल म्यूजिक और बैकपाइप पे। और सभी लोगों को मैं धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप सभी का ढेर सारा प्यार मुझे मिला है। आज हम सीखने वाले हैं नोटों के रेस्ट। जो आपको ये पांच लाइन नज़र आ रहे होंगे अभी, ये पांच लाइनों को हम स्टेफ कहते हैं। म्यूजिक में ये पांच लाइनों को स्टेफ कहा जाता है। ये छोटी छोटी जानकारी भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है दोस्तों। और आज बारीकी से सीखेंगे हम कि नोटों के जो रेस्ट है उसे कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे हम समझ सकते हैं। वैल्यू हम बाद में सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये जो मैंने अभी अभी बनाया ये सिंबल, इसे पहले भी मैंने बता दिया था कि इसे ट्रेबल क्लेव कहा जाता है और जी क्लिप भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आने वाले आपके जो स्टूडेंट्स हैं या आप कहीं कोर्स के लिए जाने वाले हैं तो आपके लिए थोड़ी आसानी होगी। दोस्तों एक कहावत है, बूंद बूंद से समुंदर बनता है। तो आपको बूंद बूंद इकट्ठा करना है और आपको समुंदर बनाना है। कहने का अर्थ ये है कि आपको जो भी कोर्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ ऑनलाइन, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप स्किप करेंगे, वीडियो को नहीं देखेंगे तो बाद में समझ में नहीं आएगी और आप कमेंट सेक्शन पर लिखेंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, है ना। इससे अच्छा थोड़ा एफर्ट लगाकर, थोड़ा टाइम देकर आप सीखें और आप अच्छे से बजाएं म्यूज़िक, पिक पाइप के म्यूज़िक। और आप भर्ती भी हो सकते हैं, जो जो एस्पिरेंट्स हैं म्यूज़िक में भर्ती होना चाहते हैं फ़ौज में, वो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम नज़र डालते हैं। देखिए पहले आपको सिखाया था इसका नाम क्या है, ब्रेव। अब ब्रेव का रेस्ट, रेस्ट का अर्थ होता है म्यूज़िक में कुछ देर के लिए चुप या खामोश करके रखा जाता है। जैसे कि हम काम करते हैं, है ना, काम करते करते हम थक जाते हैं तो थोड़ा रेस्ट शरीर को दिया जाता है, वैसे ही म्यूज़िक में भी बजाते बजाते थोड़ी देर के लिए चुप या खामोश रखा जाता है, उसे हम रेस्ट कहते हैं। तो अभी वैल्यू आपको नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीखने से क्या होगा, आपको जल्दी और बड़े ही आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। वैल्यू सीखेंगे इसके बाद धीरे धीरे करके। पहले हम जानते हैं कि जो ये दिख रहा है आपको, इसे ब्रेव का रेस्ट कहा जाता है। अगर एक दो तीन चार पांच लाइन है और स्पेस में अगर ये दोनों लाइनों से टच है और जो ये सिंबल में पूरा भरा हुआ है तो इसे कहेंगे हम ब्रेव का रेस्ट, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि दो बार मैंने हटा दिया है और ये आँख की तरह चित्र बना है, इसे हम कहेंगे सेमी ब्रेव। आपको पता ही होगा सेमी ब्रेव। अब ये सेमी ब्रेव का रेस्ट क्या है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेव का रेस्ट आपने जान लिया है, देख लिया है, तो सेमी ब्रेव का भी जानना है। देखिए सेमी ब्रेव का बहुत ही आसान है, जो ये लाइन आपको नज़र आ रहा है वो टच करते हुए नीचे तक आपको बनाना है इस तरीके से, ठीक है। और नीचे की लाइन में टच नहीं करना है, ये ऊपर की लाइन में ही रहेगी, तो इसे हम कहेंगे सेमी ब्रेव का रेस्ट। जरा गौर से देखिएगा, मैंने ये लाइन पे टच किया, वहाँ से शुरू किया लेकिन नीचे की लाइनों में टच नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो गौर करने वाली बात ये है, अगर कहीं भी कोई भी म्यूजिक शीट में आपको इस तरीके से नज़र आता है कोई भी सिंबल, तो आपको समझना है ये सेमी ब्रेव का रेस्ट है, ये नोट का रेस्ट है। और ये मैंने एक डंडा नीचे तान दिया। देखिए बड़े ही आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ, जैसे लोकल बात करते हैं ना वैसे ही आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगर इंग्लिश का सफिस्टिकेटेड वर्ड्स में डालूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर लोकल तरीके से मैं आपको सिखाऊँ तो आपको बड़े ही आसानी से समझ में आएगी। ये देखिए ये नोट कौन सा है, आपको मैंने सिखाया था, इसे हम मिनम कहते हैं। अब मिनम का रेस्ट कैसा होता है, अब सेमी ब्रेव का ऊपर से शुरू था, ऊपर की लाइन टच करते हुए नीचे तक आ रही थी,
अब मिनिमम का क्या है, नीचे की लाइन टच करेगी और ऊपर की लाइन को टच नहीं करेगी, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम मिनिमम की रेस्ट। अगर म्यूजिक शीट में आपको कहीं भी नज़र आता हो इस तरीके से, इस तरह का सिंबल, तो आपको समझना है कि ये मिनिमम की रेस्ट है, ठीक है दोस्तों, मिनिमम की रेस्ट। इस तरीके से हम सीखेंगे। और आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे आपको पहले क्लास में मैंने बताया था कि अगर जो खाली नोट के अंदर मैंने भर दिया और एक डंडा नीचे तान दिया, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रचेट, क्रचेट कहेंगे, ठीक है। अब क्रचेट का रेस देखिए, जो वाई था, अब इसे क्या करना है, उल्टा वाई बना देना है, ठीक है। क्रचेट का रेस्ट यही होता है। क्रचेट क्या है, एक कदम में एक नोट बजते हैं क्रचेट, टा टा, ठीक है। तो रेस्ट का मतलब क्या है, कदम बजेंगे, कदम चलेगा, लेकिन वहां पर म्यूजिक नहीं बजेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेवर को, देखिए गौर से देखिए, क्वेवर में एक डंडा नीचे ताना गया है, रेस्ट में भी ठीक वाई यानी कि एक डंडा ताना गया है, ठीक है। अगर फिर से सेमी क्वेवर को हम अगर नज़र में डालते हैं तो देखिए, दो डंडा हमने तान दिया तो दो डंडा रेस्ट का बन गया, है ना। इस तरफ रेस्ट में भी दो डंडा खींचा हुआ है और नोट में भी दो डंडा खींचा हुआ है। अगर हम तीन कर देते हैं, तीन करेंगे तो क्या नाम पड़ जाता है, डेमी सेमी क्वेवर। तो यहाँ पर भी देखिए डेमी सेमी क्वेवर। अगर चार कर देंगे तो हेमी डेमी सेमी क्वेवर का रेस्ट। अगर कहीं भी इस तरीके से नज़र आता हो तो आपको समझना है ये डेमी सेमी क्वेवर है, हेमी डेमी सेमी क्वेवर है और क्वेवर रेस्ट है, इस तरीके से आपको समझना है। देखिए चार्ट और भी क्लियर, आप लोगों को और भी क्लियर हो, इसलिए मैं लास्ट में आप लोगों को चार्ट दे देता हूँ, जो रेस्ट और नोटों के चार्ट दे देता हूँ, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, आपको परेशानी ना हो, कंफ्यूज ना हो आप, है ना दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन था आज का। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, और आपको मैं बता दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है, ताकि आप सोते सोते सोए सोए आप म्यूजिक को माइंड पे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कई लोग होंगे जो कोर्स जा रहे होंगे, जाने वाले हैं, और कई एनसीसी के बच्चे होंगे, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं पाइप बैंड के, पर उन्हें मिलता नहीं मौका, है ना। तो आपको यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा हर चीज़ प्रोवाइड करवाएगा। अब देखिए दोस्तों, फिर से मैं रिविज़न करवाता हूँ आप सभी लोगों को, ये कौन सा नोट का रेस्ट है, बोलिए, कहिए। 10 सेकंड तक मैं टाइम देता हूँ आपको, थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं बना रहा हूँ। जोर लगाइए दिमाग में, कौन सा है ये, ये है दोस्तों ब्रेव का। जैसे कि ब्रेव आपको पता ही होगा, एक आंख जैसी आकृति मैंने बनाया था, साइड साइड में बार, उसी का रेस्ट है ये। अब नेक्स्ट मैं बना रहा हूँ, देखिए ये कौन सा है, इसे भी मैं टाइम दूंगा, रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि आपको इस लेसन में पूरी तरीके से याद हो जाए, बार बार आपको याद करना ना पड़े, ताकि नेक्स्ट लेसन के लिए आप बड़े ही अच्छे से तैयार हो सके। देखिए ये कौन सा नोट का रेस्ट है, देखिए रेस्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रेस्ट का मतलब है म्यूजिक में जब हम बजाते हैं, कोई ड्रम हो, पाइप हो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, गिटार हो, बजाते हैं थोड़ी देर के लिए, देखिए कदम तो चलते हैं। कभी सुना है आपने ऐसा म्यूजिक, ला 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 ला, देखिए इस तरीके से जो मैं अभी गुनगुना रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, तो बीच बीच में चुप खामोश हो रहा है ना, उसे कहते हैं रेस्ट। तो ये रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों ये कौन सा नोट का रेस्ट है, ज़रा गौर करिए, ये है मिनिमम का रेस्ट, ठीक है। आपको याद करना है और प्रैक्टिस भी करनी होगी, तभी आप
इसे याद कर पाएंगे और आने वाले समय में जो मैं नोट के साथ साथ वैल्यू के साथ साथ हर चीज़ बताऊंगा कैसे बजाया जाता है म्यूज़िक को, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा है, कौन सा नोट का रेस्ट है, उल्टा वाई। उल्टा वाई अगर आता हो तो आपको समझ लेना है ये क्रचेट का रेस्ट है, क्रचेट का, ठीक है दोस्तों, क्रचेट का रेस्ट है, समझ लेना। और इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपने देखा होगा। और देखिए दोस्तों ये जो मैं बना रहा हूँ ये उंगली से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, इतना अच्छा तो नहीं बन पाया, फिर भी मैं लास्ट में आप सभी लोगों को चार्ट दे दूँगा ताकि आप जाकर अच्छे से देखें। लास्ट में, लास्ट के वीडियो के अंत में मैं नोट और रेस्ट के चार्ट दे दूँगा। ब्रेव का नहीं रहेगा, सिर्फ पाइप बैंड में जो म्यूज़िक बजाया जाता है उसी का मैं दूंगा। दोस्तों आशा है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वीडियो और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर लौटते हैं, बैकपाइप कोर्स के चौथे दिन में फिर हम लौटते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और आपके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार बनाते रखिएगा, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलेगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।